कौशाम्बी के करारी क्षेत्र में रमजान के पाक साफ महीने में एक रोजेदार विधवा महिला के साथ छेड़खानी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां रोजा खोलने के लिए बाजार के एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान में सामान लेने गई एक रोजेदार विधवा महिला से दुकानदार ने पैसे लेने के दौरान उसका हाथ पकड़कर दुकान के अंदर खींच लिया और महिला के साथ जबरदस्ती करने लगा। जब महिला ने इसका विरोध किया तो दुकानदार उसको मारने पीटने लगा। वही महिला ने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। स्थानीय लोगों को इकट्ठा होते देख दुकानदार ने उसका हाथ छोड़ दिया और कहीं भी शिकायत करने पर आदमी लगवा कर जान से मरवा देने की धमकी दे डाली। वहीं डरी सहमी महिला ने घर आकर मामले की आपबीती अपने परिजनों को बताई। विधवा के साथ छेड़खानी की घटना को सुनते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, साथ ही आक्रोश व्याप्त हो गया और विधवा समेत परिजनों ने मामले की शिकायत करारी थाना में देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। क्या मामला था, क्या हुआ था? मामला ये हुआ, बाजार गए हम तो हुआ गए हम कहीं ठंडा गुड्डू की दुकान पर ले ली चौराहा पर असाढ़ा चौराहा पर। तो जब हुआ गए तो हमारे साथ बदतमीजी करी, हाथ पकड़ के हमार खींच ली। जब हाथ पकड़ के हमार खींच ली कपड़ा उपड़ा हमार फाड़ा चीड़ा ला दुकान के अंदर। तो हम कहें कि बताओ हम सबसे, तो कहे की हम जान से मार दे भाई, अब हमारे आदमी बहुत है जान से मार दे भाई हम तुमका। कहीं इसकी शिकायत की आपने? हाँ, कराली थाने में। क्या नाम है आपका? हसीना बेगम। कौशाम्बी से गणेश वर्मा की रिपोर्ट। पश्चिम से टेवा को जाने वाली रोड की हालत खराब हो गई है, जिससे लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस सड़क पर कई एक्सीडेंट भी हुए हैं और कई ट्रक ओवरलोड होकर पलट भी चुके हैं। वहीं पुलिस इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है और टैक्स लेकर ट्रक वालों को छोड़ दे रही है। ओवरलोडिंग के कारण हुई सड़क की दुर्दशा देख दो पहिया वाहन वालों को भी पैदल चलना पड़ता है। वहीं सड़क पर चक्का जाम लगा रहता है, जिससे पब्लिक को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रमेश राजपूत की रिपोर्ट।